नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ बिना प्याज लहसुन वाला फिर भी टेस्टी और चटपटा ऐसे नाश्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना कि जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि भाई इन दोनों का ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही नई और एकदम चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखकर आप तुरंत बनाओगी, ये मेरी गारंटी है। तो आगे बढ़ते हमारी रेसिपी की ओर। यहाँ पर हमने इस तरह से जो जाली आती है उसका यूज किया है और गैस के ऊपर ऐसे ही हम पहले ये जाली रख देंगे और इसके ऊपर हमने रख दिए हैं यहाँ पर कच्चे वाले केले, जिसे हम धोकर सूखा करके इस तरह से डायरेक्ट ही जाली के ऊपर रखकर हम सेक लेंगे। देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हो बिना जाली के, पर बिना जाली के आपको एक एक ही केला सेकना होगा और जाली के ऊपर हम एक साथ दो या तीन केले को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कच्चे वाले केले की छिलके पूरे काले होने तक हमें इसको सेकना है, क्योंकि इसका छिलका जो होता है ना वो काफी मोटा होता है। तो आप देखोगे धीरे धीरे जो है ना केले का छिलका अपने आप काला होते जाएगा, देखिए। और हमें बीच बीच में इस तरह से इसको उलट पुलट भी करते रहना है ताकि चारों तरफ हमें इसको सेक लेना है। इसके बदले में आप कच्चे केले को पारबॉइल भी कर सकते हो। कच्चे केले के पारबॉइल करके वड़े बनाए जाते हैं, उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। कच्चे केले हमारे ठंडे हो रहे तब तक हम यहाँ पर एक मसाला करते हैं, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में एक चम्मच घी, उसके अंदर आधा चम्मच जीरा और डेढ़ बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पर हरी मिर्च की पेस्ट को ले लिया है। यहाँ पर घी के बदले में आप तेल का भी उपयोग कर सकते हो। इस तरह से हरी मिर्च को हम सेक लेंगे ना तो इसका कच्चापन चला जाता है और ये नाश्ते में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। दो कटोरी मैंने हरे वाले ताजे मटर भी ले लिए हैं, इसे हम दो मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे। अगर आपके मटर दो से तीन दिन पुराने हो तो आप यहाँ पर इसे थोड़ा सा स्टीम भी कर सकते हो। और अब हम इसे ढककर थोड़ी देर पकने देंगे और दो से तीन मिनट के बाद आप देख सकते हो कि हमारे मटर जो है काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक भी ले लेंगे और फिर से हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये काम हमें धीमी आंच पे करना है। यहाँ पर हमारे मटर जो है काफी सॉफ्ट हो चुके हैं, उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इस तरह से पाव भाजी मैशर से हम इसको मैश कर देंगे। अगर आपके पाव भाजी मैशर से मटर मैश नहीं होते हैं तो आप इसे छोटे वाले मिक्सर जार में दरदरा पीस सकते हो। देखिए हमारे मटर अच्छे से इस तरह से क्रश हो चुके हैं, तो मटर हमारे तैयार है, तो उसे हम साइड में रख देते हैं। तो एक बाजू हमारे केले भी ठंडे हो चुके हैं तो इसे हम दो हिस्से में काट कर ऊपर के जो छिलके हैं ना उसे हटा देंगे। और आप देखोगे कि हमारे जो कच्चे केले हैं ना अंदर तक अच्छे से बाफ से ही अपने आप पक चुके हैं और इसका स्वाद बहुत ही अलग लगता है। जो आप कुकर में पकाते हो इससे ये एकदम अलग बन जाते हैं। इसको हमें धोना नहीं है, अगर धो देंगे तो इसके ऊपर का जो स्मोकी फ्लेवर है वो चला जाएगा। तो इस तरह से हमने है ना कुछ छह केले मैंने लिए थे, उसे मैंने अच्छे से इस तरह से कट कर लिया। और एक बाजू हमारा जो मटर वाला है वो मिश्रण भी ठंडा हो चुका है, उसके अंदर में 1/4 कप के जितना हरा धनिया भी काट करके ले लूंगी और साथ में एक बड़ा नींबू का रस भी ले लेंगे। इसमें नींबू और हरा धनिया बहुत ही अच्छी मात्रा में हमने ले लिया है और नेचुरली जो हमारे मटर होते हैं ना ताजे वाले उसकी अपनी एक मिठास भी होती है। तो ये हरे मटर का हमारा मिश्रण तो तैयार है, पर ये अभी बाइंडिंग हो जाए ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले से ही पारबॉइल मतलब कि रोस्ट किए हुए जो कच्चे केले हैं ना उससे हम एक केले को कद्दूकस करके इसके अंदर ले लेंगे। आप यहाँ पर केले के बदले में कच्चे जो आलू होते उसको भी इस तरह से सेक कर बना सकते हो, पर जो आलू नहीं खाते उनके लिए तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। और हरे मटर और हरे जो हमारे मटर के साथ जो ताजे कच्चे केले हैं उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। और इस तरह से हम छोटे छोटे नींबू के साइज के इसके गोले बनाकर रख देंगे। और एक बाजू जो हमारे ये
केले है, इसे भी हम कद्दूकस कर लेंगे और केले के अंदर हम स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे और साथ में हम बाइंडिंग के लिए यहाँ पर 2 चम्मच चावल का आटा ले लेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप जो कुरमुरा होते हैं उसको भी पीस के ले सकते हो, या तो फिर आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर या फिर 2 चम्मच आरारूट भी ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये कच्चे केले वाला मिश्रण भी तैयार है। इसके अंदर सिर्फ हमने यहाँ पर नमक ही मिलाया था और अब हम क्या करेंगे, जितना जो हमने हरे मटर वाला गोला लिया है ना, उतना ही ये मिश्रण का एक पेड़ा ले लेंगे और इसे थपथपाकर हम पतली सी ऐसे जो एक पूड़ी होती है ना उस तरह से फैलाते जाएंगे और बीच में हमारा ये हरे मटर वाला स्टफिंग को भरना है। तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा कच्चे केले का टेस्ट आए और ना ज़्यादा हरे मटर का, दोनों का इक्वल ही टेस्ट आना चाहिए। तो इसके लिए हमने ना हरे मटर का बड़ा वाला एक गोला बनाया था और इस तरह से कच्चे केले के साथ हम इसको अंदर कवर कर लेंगे, एकदम परफेक्ट। देखिए और यकीन मानिए ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्थी तो है ही है। हम इसके 2 मेथड देखेंगे। कहीं पर आपको लगता है कि ये टूट रहा है तो वहां पर आप कच्चे केले का जो मिश्रण है उससे चिपका सकते हो, या तो थोड़ा सा हल्का हाथ गीला करके भी उसको चिपका सकते हो। तो ये मिश्रण हमारा तैयार है। तो इसके लिए मैं एकदम अनोखा ही तरीका लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच चावल का आटा, स्वाद अनुसार नमक लिया है और इसका एक मीडियम सा घोल हम बना लेंगे। यहाँ पर आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच आरारूट का भी उपयोग कर सकते हो। चावल का आटा है ना, तेल कभी नहीं खींचता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर चावल के आटे का उपयोग किया है और जो कच्चा केला है वो भी तेल एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो गर्मा गर्म तेल में हम हमारे ये जो मटर और जो हमारे कच्चे केले के बोंडा है उसे तल लेंगे। देखिए एकदम प्यारा सुनहरी कलर आने तक हमें इसको तल लेना है और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता ये बन जाता है। हम इसे तेल में तल रहे हैं फिर भी यकीन मानिए ऑयली नहीं बनेगा, क्योंकि हमने जो ऊपर चावल के आटे का कोटिंग जो किया है। तो तैयार है हमारे ये हरे मटर और कच्चे केले के बड़े। आप इसको हरे चटनी या तो फिर टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हो। मैंने आपके साथ हरे चटनी की रेसिपी शेयर कर दी है, उसका लिंक भी मैं इसके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप वो भी देख सकते हो। और देखकर ही लग रहा है ना कि जल्दी से इसे टेस्ट किया जाए और यकीन मानिए इसे मैं गर्मा गर्म कट कर रही हूँ ना तो भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी जल्दी से ये रेसिपी बनाइए और आपको ये रेसिपी कैसी